मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार होली नहीं मना रहे हैं। अपने बंगले पर उन्होंने एक सूचना लगा रखी है, जिस पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों और गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन के चलते ये निर्णय लिया है। मौके पर पहुंचे स्वराज संवाददाता शरद बघेला ने जायजा लिया। रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी धूमधाम से सीएम हाउस में होली का त्योहार मनाते थे, लेकिन इस बार वो कुछ सादगी से होली का त्योहार मना रहे हैं। वजह यह है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पुलवामा में हमारे वीर जवानों की शहादत के सम्मान में और साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन के कारण वो होली नहीं मना रहे हैं। हालांकि इस बार उनका होली मनाने का तरीका काफी सादगी भरा है। आप अंदर देख सकते हैं कि कुछ लोग वहां पर जो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं वो लोग सादगी के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं, जबकि हर बार ये देखा जाता है कि इस मुख्यमंत्री निवास पर सत्ता के रहते समय उन्होंने काफी धूमधाम से होली मनाई। उनके साथ ही बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, नेता, मंत्री और जितने भी लोग थे काफी धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते आए हैं, लेकिन इस बार पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों को देखते हुए और साथ में गोवा के मुख्यमंत्री की याद में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। कैमरामैन राकेश बकोरिया के साथ शरद बांगेला, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। ये फैसला किया है कि इस बार होली का पर्व नहीं मनाएंगे। विशेष रूप से जो कारण सामने आया है, गोवा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी का जो निधन हुआ है वो अपूर्णीय क्षति है। साथ ही जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ था उसमें जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, और इसके कारण इस बार इस वर्ष होली मनाने का फैसला नहीं किया है और इस अवसर पर सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अपने बंगले पर बेहद सादगी से होली मनाते हुए नजर आए हैं। अपने बंगले पर आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को वृंदावन के चंदन के साथ फूलों से टीका लगाकर होली मनाई है। होली के मौके पर बाबूलाल गौर ने लोगों से सौहार्द और सद्भावना के साथ होली खेलने की अपील की। इस मौके पर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक गीत भी गाया है और गुनगुनाया है। देखो, होली है रास रंग का त्यौहार, सर्वहारा का है। यहाँ किसी जाति वर्ग का नहीं, न ब्राह्मण क्षत्रिय, सब वेश, अन्य छोटे वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी सब मनाते हैं। और ये भगवान कृष्ण के द्वारा मथुरा वृंदावन में शुरू किया गया था। इसके पीछे एक ही भावना थी, क्या आप आनंद से रहिए, सुखी रहिए, और अगर कोई से नाराजी भी है तो उसे रंग गुलाल लगा के दोस्ती कर दीजिए। तनाव का जीवन नहीं होना चाहिए। मधु मन मेरा देखा नाचिरे मन मेरा देखा नाचिरे नाची रे। ये सात्विक गाने भजन है, इसमें अश्लीलता नहीं।